अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? जी कौन सी अपनी बातों में मगन है? हिना, आपकी तबीयत ठीक है अब? वालेकुम अस्सलाम जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। उस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई थी ना, मुझे याद ही नहीं रहा बाद में पूछने का। जी मैम, वो तो हो जाती है लेकिन फिर मेडिसिन से ठीक हो जाती है। चलो शुक्र है। और मुनज़्ज़ा किधर है? मुनज़्ज़ा भी आई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम अस्सलाम। मुनज़्ज़ा, आपकी मामा कैसी हैं अब? जी, बेहतर हैं। आप सुनाएं, कैसी हैं? चलो शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। बच्चों फिट फाट और आप? मैम, गर्मी हाँ तो नहीं है आपके पास? जी आपके शहर में गर्मी तो नहीं है? फैसलाबाद बच्चों, गर्मी क्यों नहीं है? गर्मी तो है, बहुत है। हम कोई मरी में थोड़ी। में तो बहुत ज्यादा होती है। मैम, आपको कोई आइडिया होगा कि अगर ऑनलाइन एग्जाम्स हुए तो किस फॉर्मेट में हो गए? क्योंकि अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें तो फिर हम लोग किसके हाथ से तैयारी करें? अच्छा, मुझे इस बारे में तो अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे ऑनलाइन एग्जाम हो, क्योंकि देखिए ना, ऑनलाइन कोई भी मसला हो सकता है। आपको पहले भी पता ही होगा, जब आप लोग अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करते होंगे तो कई दफा नेट का ही बहुत ज्यादा इशू हो जाता है, आईटी का इशू हो जाता है। तो ऑनलाइन ना हो, बस कुछ और ही निकल आए हल, अल्लाह करे। मैम, मैम यूनिवर्सिटी सर, से वो नहीं था होता यूनिवर्सिटी वाले जो है ऑनलाइन? ना साहिवाल में, उन्होंने जी तो स्टार्ट भी कर दिया। हमारे इधर एक कजन है तो वो वहां पे पढ़ता है, तो उन्होंने बुला लिया हमने यूनिवर्सिटी में और वहां एग्जाम ले रहे हैं फाइनल। अच्छा, लेकिन ऐसा मतलब HEC की तरफ से ऐसी कोई ना हमें इंस्ट्रक्शंस अभी मिली नहीं है, तो इसी वजह से वो फिर ऐसा पता कैसे नहीं कर मैम, सकते हैं। वो तो उनके तो मंडे से पेपर स्टार्ट हुए हुए हैं। अल्लाह करे आपके पेपर ऐसे हो, बेशक और लेट हो जाए, लेकिन ऐसे ना हो, ऑनलाइन ना हो। मैम, ऑनलाइन हुए यस मैम, तो सबका हमको बेड़ा मतलब गर्क कोई होना है। आइडिया भी नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हम लोग कैसे देंगे। और वैसे भी अभी एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने यही कहा है कि अगर हमें 5 साल भी ये सेक्टर्स बंद करने पड़े तो हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग बच्चों की हेल्थ पे कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो वैसे जो हालात है, मेरा तो नहीं ख्याल के खुलेंगी यूनिवर्सिटीज बच्चों, आपके पेपर जब भी हो ना, ना, ये दुआ यूनिवर्सिटी करना खुलनी नहीं है और हमें अपना सामान मिलना नहीं है। वाकई, ये भी है, बस ये दुआ यार करनी सामान तो जब चलो अब सर्दियों वाला ही था, अब गर्मियां आ गई हैं। भी। मेरा तो गर्मियों वाला भी वही पड़ा है। वो तो सामान की कह रहा मुझे ज्यादा अपने लैपटॉप की है, मेरा लैपटॉप वहां पे है और उसमें मेरी हर चीज है और जो वही मेरी ना जरूरत बच्चों, की भी है। बस ये दुआ करें कि जब भी हो पेपर ठीक तरह से हो, ऑनलाइन ना हो। हाँ मैम, ये तो है। चलिए बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोगों ने डिस्कस भी करना है। रिमशा का आई थिंक कनेक्ट नहीं हो रहा, काफी देर से वो ट्राई कर रही है। रिमशा हो नहीं, गया तीन कनेक्ट? स्टूडेंट हुए हैं अभी तो। आ रहा है सब मेरे। यस मैम, हो गया मेरा कनेक्शन। तबीयत कैसी है मैम रिमशा? रिमशा को तो मैम रिमशा को क्लास में ऐड ही ना किया करें, इसे निकाल दिया करें। क्यों भाई रिमशा मैम को? पूछ लें रिमशा से कहीं, ये उसके सोलर प्लेट के नीचे तो नहीं बैठी हुई थी? एक दिन इसने नीचे बैठ के क्लास ली थी उसके। कहाँ, नीचे क्यों बैठी थी रिमशा आप? सोलर प्लेट छत पे थी, उसके छांव में बैठ के क्लास ली थी, नेट नहीं आ रहा था नीचे। मैम यहाँ पे सिग्नल नहीं आते, गांव में होते हैं मैं, यहाँ पे सिग्नल का इशू होता है। ओहो रिमशा, मेरी बात सुनो, अगर सिग्नल नहीं आती है, ऐसा कोई मसला है तो इतना उल्टी सीधी जगह में ना बैठो, मतलब फिर आपके पेन स्टार्ट हो जाएगा ना। आप ऐसा किया करें, मैम टेंट, ये वैसी वैसी दरिंदा है। अगर कोई मसला इस रंग यस का मैम, तो आप ऐसा किया करें बात। मैम लोगों से कह रहे हैं इंटरफेयर ना किया करें मेरे मेरे मामलात में। हाँ भाई, लोगों इंटरफेयर ना किया करो, अच्छा बिल्कुल रिमचा, भी तुम्हें नहीं। मैं बाद में बताती हूँ। मैम इसे मैंने तो ये नहीं कहें कि कहा। मैम इसे कहें कि लोगों को फिर इस तरह से ना तंग भी ना किया करेगी। रिमशा, आप बता दे लोगों को और क्या कहना है। मैंने कह दिया जो मैंने कहना।
नहीं बच्चों वैसे भी देखो आप ना अपना ख्याल, सब लोग ही बल्कि अपना ख्याल रखा करें, अगर कोई मुश्किल होती है इस तरह से कोई मसला होता है तो आप ऐसा क्या करें, जब क्लास एंड होती है ना आप एक दफा ग्रुप में वो बच्चा इसका वाकई कोई जेन्युइन मसला है वो व्हाट्सएप पे जाके बता दिया करें उसका रोल नंबर दिया और इस मसले की वजह से आवाज नहीं आ सकती। जेन्युइन मसला ये हो सकता है कि लाइट ऑफ हो गई थी या नेट के सिग्नल नहीं थे आ रहे थे या तबीयत खराब हो गई चिल्ला ना करे, ये जेन्युइन मसला हिल तो हरगिज नहीं है कि आपके घर मेहमान आ गए। अच्छा चले बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना कल वाला लेसन। मैम पहले वो असाइनमेंट वाला काम बता दें। जी वो मैं इसको खत्म करके वही बताने लगी हूँ, बस ये खत्म होने वाली है। तो बच्चों कल हम लोग कुछ टेक्निक्स पढ़ रहे थे सीबीटी की, तो हम जिसमें से हम लोगों ने कॉग्निटिव मेथड्स के बारे में पढ़ा। एक और असाइनमेंट बनानी है हमने। नहीं नहीं बच्चों जो असाइनमेंट मैंने आपको दी थी ना डिस्प्यूट्स वाली, वो उसी के बारे में मुनज़्ज़ा बात कर रही है। थोड़ा सा यही ना जो मैम ने बताया था तो वो समझ नहीं आ रही। जी जी मैं दोबारा बता देती हूँ, परेशान ना हो। अच्छा सीबीटी के कल हमने कुछ कॉग्निटिव मेथड्स पढ़ लिए थे और उसके इमोटिव मेथड्स में हम लोगों ने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड रेशनल इमोटिव इमेजिनरी टेक्निक होती है, ह्यूमर को यूज कर लेते हैं हम इमोटिव मेथड्स में, रोल प्लेइंग को यूज करते हैं और शेम टेकिंग एक्सरसाइजेस को यूज करते हैं। अब सबसे पहली है रेशनल इमोटिव इमेजिनरी टेक्निक। रेशनल इमोटिव इमेजिनरी टेक्निक आपने आरईबीटी में भी पढ़ी है बच्चों और बिहेवियरल थेरेपी में भी पढ़ी थी। स्क्रीन शेयर नहीं करनी, सॉरी सॉरी बच्चों मैं करती हूँ। अच्छा बच्चों रेशनल इमोटिव इमेजिनरी टेक्निक, एक्चुअली इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि पर्सन के ऑब्वियसली जो आपके साथ हो किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ आ रहा है और उस प्रॉब्लम में ऑब्वियसली उसके इमोशंस भी फिर डिस्टर्ब होते हैं, उसकी थिंकिंग स्टाइल्स भी, कॉग्निटिव लेवल्स भी, बिहेवियर भी, हर चीज ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होती है ना एक दूसरे से। तो हम क्या करते हैं मतलब इमोशन से रिलेटेड हम जो टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं सीबीटी में, उसमें हम लोग एक ये टेक्निक यूज करते हैं रेशनल इमोटिव इमेजिनरी टेक्निक। इसमें हम क्लाइंट को रेशनली सोक्रेटिक डायलॉग्स वाली जो टेक्निक है उससे रिलेट करके एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं और इमेजिनरी वे में, यानी कि उसको इमेजिनरी वे में बता रहे होते हैं किस ना किस तरह से। आप ये कह दें कि आप उसे ऑप्शंस दे रहे होते हैं कि अगर आप इन चीजों को इस तरह से सोचें तो क्या होगा। अब आपने एक इमेजिनेशन उसके सामने जब क्रिएट की है तो उस इमेजिनेशन से रिलेट ऑब्वियसली उसके जो इमोशंस होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। पहले जो चीज थी वो उन चीजों को और तरह के इमोशन से देख रहा था, हो सकता है सैडनेस के साथ देख रहा हो, डिप्रेशन के साथ देख रहा हो, लोनलीनेस को बहुत ज्यादा फील कर रहा हो, लेकिन अब आपने उस टेक्निक को थोड़ा सा रेशनल कर दी, यानी कि कोई ना कोई लॉजिकल वे में टेक्निक प्रेजेंट करना स्टार्ट की है। तो आहिस्ता आहिस्ता उस टेक्निक, वो टेक्निक कैसे स्टार्ट हो गई है, अब जैसे जैसे इमोशंस, जितना ज्यादा उसका इमेजिनेशन का लेवल स्ट्रोंग होगा उतनी ही ज्यादा उसके जो इमोशंस हैं वो रेशनल वे में ज्यादा उस पर अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें आप वो अपनी फ्लडिंग वाली एक्सरसाइजेस को याद कीजिए और अपना याद कीजिए जो हम लोगों ने किया था, कल ही मैंने उसके बारे में बात भी की थी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से रिलेटेड हैं, फिर हमारे हिप्नोटिज्म से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं, वो सारी इसी टेक्निक्स में आ रही होती। सेकेंड वन है बच्चों यूजिंग ह्यूमर। यूजिंग ह्यूमर का मतलब है ऑब्वियसली ह्यूमर हम लोग कहते हैं कि अगर मतलब जितने भी आप लोगों ने बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं फ्रॉइड के, अब वहां पे एक बहुत और बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि फ्रॉइड के बाद अगर डिफेंस मैकेनिज्म की आप लिस्ट देखें बच्चों तो अब फ्रॉइड ने भी नो डाउट बहुत ज्यादा दिए थे, लेकिन अब और आने वाले लोगों ने जब जैसे जैसे उन चीजों पर रिसर्च करना स्टार्ट किया है। बच्चों मैंने आपको इतनी बार कहा है कि ये रिकॉर्ड हो रही होती है आपकी रिकॉर्डिंग भी और आई थिंक स्क्रीन भी, तो आपने जज्बात को थोड़े काबू में रखा करें और थोड़ा पढ़ लें, और आप जिस खुशी में आज नहीं करके आए असाइनमेंट अभी मैंने उस पर भी आपकी क्लास लेनी है। तो बच्चों यूजिंग ह्यूमर के, ह्यूमर भी हमारे लिए एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज हो रहा होता है और ह्यूमर के साथ साथ
जैसे जैसे हम क्लाइंट को एक चीज को ह्यूमरी वे में लेके चल रहे होते हैं, तो क्लाइंट क्या करता है, ह्यूमरी वे में उन चीजों को देख रहा होता है कि अच्छा वो टेक्निक, वो सिचुएशन या वो इवेंट जिसे क्लाइंट ये कंसीडर कर रहा है कि वो इवेंट तो इतना ज्यादा पेनफुल है उसके लिए, या उस इवेंट में तो इतनी ज्यादा सीरियसनेस है, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, या वो इवेंट इतना ज्यादा आप कह सकते हैं क्लाइंट के लिहाज से बहुत ज्यादा सीरियस है। अब आपने उसी इवेंट को इतने हल्के फुल्के अंदाज में बात बयान की है कि क्लाइंट को भी लग रहा है कि वो बात जो उसको इतनी बड़ी लग रही थी, सामने वाले बंदे ने उसको कितने लाइट वे में मेरे सामने प्रेजेंट किया, तो वो ह्यूमर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसके इमोशंस, वो स्ट्रेसफुल इमोशन जो उस इवेंट से रिलेट कर रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाते। अब ह्यूमर से रिलेटेड कोई एक्सरसाइजेस नहीं होती, आपने किसी भी इवेंट से रिलेटेड कोई भी ह्यूमर बनाना है तो वो इट डिपेंड्स अपॉन यू, वो आप देखेंगे कि आप उस ह्यूमर को किस तरह से लेके चल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग के बारे में अगर आपको याद हो, हमने बकायदा जब हम लोग डिफरेंट, अगर याद हो, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे काउंसलर की और क्लाइंट्स की, तो काउंसलर की करेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने रोल प्लेइंग भी पढ़ा था कि क्लाइंट काउंसलर जो है वो रोल प्लेइंग की एक्सरसाइजेस को इफेक्टिव वे में किस तरह से कर रहा होता है, और रोल प्ले में क्लाइंट एक्चुअली क्या करता है कि काउंसलर को अपनी जगह पे, सॉरी काउंसलर क्लाइंट को अपनी जगह पे रखता है, खुद को क्लाइंट की जगह पे रखता है, और उसे बता रहा होता है, ये समझा रहा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको क्या लगता है, या मैं अगर आपकी जगह पे होता, मुझे लगता है मैं इन चीजों की तरफ ज्यादा जाता, आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन आप इस तरह से या इन इन वेज में भी तो इंटरप्रेट कर सकते थे, या हो सकता है इस सिचुएशन में देखिए फलां बंदे ने आपकी कितनी हेल्प की है, तो वो बंदा आपके लिए एक हेल्पफुल था, अब आपको एक इस सिचुएशन के लिहाज से एक नया दोस्त मिल गया। मैं होता तो मैं तो ये समझता कि मेरे लिए तो ये एक नई दोस्ती वाली सिचुएशन थी, और ये सिचुएशन मेरे लिए बेनिफिशियल थी कि उसने मुझे एक नया दोस्त, या इस सिचुएशन में मुझे वो लोग मिलते, मुझे पता चलता कि मुझे इस सिचुएशन से, जैसे ही मैं सिचुएशन में आया हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि इस सिचुएशन ने मुझे दिखा दिया है कि मेरे लिए कौन से लोग फायदा मंद है, या कौन से लोग मेरे साथ है, कौन से लोग मेरे अगेंस्ट। अब जैसे जैसे आप अपने अकॉर्डिंग रोल प्लेइंग कर रहे होते हैं ना, तो असल में हम क्लाइंट को टीच कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके इमोशंस भी ऑब्वियसली इन चीजों से लिंक कर रहे होते हैं, तो उसके इमोशंस में तब्दीली आना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे इमोशंस में चेंजिंग आ रही होती है, वैसे वैसे ही उसके थॉट प्रोसेसेस भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? यस मैम। और लास्ट वन है शेम अटेकिंग एक्सरसाइजेस। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था डोर इन द फेस और फुट इन द डोर टेक्निक, याद है कुछ? किसी जमाने में पढ़ा था, बहुत पुराने जमाने की बात है। यस मैम, 1900 अंधेरे की। नहीं नहीं, अब इतने भी पुराने जमाने की मैम, वो हमारे हसीन जमाने की बात है जी। आपके हसीन जमानों की बात है कि जब आप लोग आजादाना नकलो हरकत कर रहे होते थे, जहां दिल चाहा था जाते थे, कुछ पता नहीं था कहां पे जर्म्स हैं, कहां पे वायरस है, कुछ भी नहीं था, उस जमाने की बात है कि हम लोग। यस मैम, तो सोचा ही नहीं था ऐसी जिंदगी भी आनी है जी। जिंदगी भी आनी है, चले कोई बात नहीं, अब इसको जरा थोड़ा दोबारा याद कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, शेम अटेकिंग एक्सरसाइज में भी फुट इन दी डोर, डोर इन दी फुट में क्या था, हम लोगों ने क्लाइंट को पहले तो एक टेक्निक ऐसी दे दी, या ऐसा कोई उसे होमवर्क असाइन कर दिया, या चीज बता दी कि देखें आपने, अगर वो बहुत शाय है तो हमने एकदम कह दिया कि जी आपने तो एक दिन में जाना है और 100 लोगों से सलाम लेके आना है, या 100 लोगों से जाके कोई बात करनी है। अब एक पर्सन जो पहले ही बहुत शाय फील कर रहा है, तो उसके लिए तो ये बात एक आप ये कह लें कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। फिर हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा चलो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अब आप ऐसा करें, चलिए आपने सिर्फ 3 लोगों से मिलना है, और आपने उनसे कोई से 3 ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब शेम टेकिंग एक्सरसाइजेस में भी क्या होता है कि क्लाइंट जिस चीज को उसे लग रहा है कि उसकी, अच्छा जी अगर उसकी ये फ्लाम मिस्टेक हो गई है, एक स्टूडेंट कहता है कि मेरे इस टेस्ट में इतने मार्क्स कम हो गए हैं, या मैं क्लास में एक अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो इट मीन्स के मैं अब लोगों का सामना ही नहीं कर सकता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लोग मुझे समझ ही नहीं सकते, या मैं लोगों के आगे जा ही नहीं सकता, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब उसको तो ये फील हो रहा है ना। तो शेम अटेकिंग एक्सरसाइजेस में भी डोर इन द फुट वाली टेक्निक हम लोग यूज कर रहे होते हैं, उससे सिर्फ कुछ लोगों के पास जाके अपने उस बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने का मौका दे रहे होते हैं कि अच्छा अगर आप कह रहे हो कि आपको, आप इस चीज को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो आप क्लास में सिर्फ उन लोगों से बात कर लेना जो आपके दोस्त हैं या जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं,
वो आपके बारे में क्या राय दे रहे हैं। हो सकता है वो लोग आपसे कहें कि नहीं तुमने अच्छा प्रेजेंट किया था, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा मिस्टेक्स नहीं थी। और साथ हो सकता है उनसे बात मैम वो बिब्लियोग्राफी क्या था थोड़ा सा डिफाइन कर दे मुझे। बिब्लियोग्राफी कह रहे हैं आप? जी मैम। जी जी मैं जी जी मैम उसके बाद उसे डिफाइन कर देती। ठीक है ओके। अच्छा बच्चों शेम अटैकिंग एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे। शेम अटैकिंग एक्सरसाइज में मतलब फिर आप उसे ये कहेंगे कि चलें आप ऐसा करें अपने सिर्फ ग्रुप मेंबर्स से बात कर लें, उन ग्रुप मेंबर्स से बात कर लें जिनके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या आपको लगता है उनके साथ आपका कंफर्ट लेवल थोड़ा ज्यादा है। तो वो लोग ठीक है उसे नो डाउट ये बताएंगे अच्छा आपकी ये मिस्टेक्स हुई थी लेकिन कोई बात नहीं है हमारी भी तो ये फलां जगह पे मिस्टेक हुई थी, तो ये मिस्टेक कोई इतनी बड़ी नहीं है कि इसे इसे लेके आप दुनिया का सामना ही नहीं कर पाएंगे, आप लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की छोटी मोटी शेम टेकिंग एक्सरसाइज जब हम उसे दे रहे होंगे ना उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों से रिलेटेड। और यहाँ पे बाजू का ये होता है कि क्लाइंट बच्चों सॉरी काउंसलर बच्चों क्लाइंट को ये भी बता रहा होता है कि अगर आपको ये